हेलो दोस्तों, ODA4 और ODA4 का जो है आज हम चेंज करेंगे वाटर पंप। इसका वाटर पंप चेंज करेंगे, वाटर पंप लीक है इसका। और दोस्तों आपको वाटर पंप की लीकेज दिखा देते हैं। ये वाटर पंप की लीकेज है और इसलिए वाटर पंप के साथ साथ हम टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करेंगे। टाइमिंग बेल्ट में भी क्रैकनेस आ रही है, ये देख रहे हो, जैसे कि ये क्रैक हो रही है बेल्ट भी। तो दोनों चीज़ दोस्तों आज चेंज करेंगे और विस्तार में टाइमिंग के मार्क्स और वाटर पंप के जो चेंज करेंगे वो वीडियो आज हम आपको दिखा देंगे। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सारी लाइट बैठ खोल दी, एसी कंप्रेसर अभी आगे से सब कुछ खुल जाएगा। खुल गया, इसको पकड़ लिया तो इधर बन जाइए, कुछ नहीं होता। तो नीचे निकाल बाहर, अरे अरविंद नीचे तसला तो लगा लो। तसला नहीं लगाया, कूलेंट सारा निकल रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, ये जितनी भी है ये कूलेंट की लीकेज है। और ये मैं इधर दिखा दूँगी इसे, ये इधर सारा ये वही है जो कूलेंट वाटर पंप के लीक है। वही पूरी सारी रस्टिंग ये वही आ रही है। तो ये है, इसको नहीं खोलेगा। अब इसकी खोलने की स्टार्टिंग करते हैं, इसे निकाल कर लेगा और अभी टूल लिखाओ इसके सारे फटाफट। हाँ इसे भी खोलो, निकालो इसे फटाफट। सप्लाई लगेगी, सप्लाई से खोलेंगे। ये पाना ले आइयो, खोलो फटाफट इसे। पाना बेल्ट का देखिए, ठेले राइटर दियो, खोलो फटाफट। ढीले ढीले में चलो बिल्कुल भी। अरे पहले वो चलो, एक काम करो अरविंद यार, पहले खोलो। मैं यार गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टेस्टर वाले का फोन आ रहा है बार बार, है ना।
मैं पहले तिलक नगर चला जाता हूँ, तुम बस बढ़िया से करना सारे काम। तो ये खुल गया पूरा, ये तो 18 ही लाया, 19 की लाया, हां लाया तो कहां है ये भी, ये पड़ी है। तू तो वो कह रहा है ही ना, नहीं अब है जब नहीं आगे लाया हूं। अहल बल्ला खोलेंगे, टाइमिंग खोल रहे हैं इसकी है, मिलानी पड़ेगी टाइमिंग। और बड़ा करूँ बोल लो, हाँ भी दे दो। एल की एलंग की कैसी कैसी टाइमिंग है इसकी? टाइमिंग पे क्रैंक की आ गई, ठीक है अच्छा, क्रैंक की आ गई, कैम की आ गई, ठीक है अच्छा, और डीएल पंप की आ गई। देख ली टाइमिंग कैसे बनती है? ना वो एक और दे रे बलून दो। हेलो ये किंदर किंदर से लाई गई है हां, अभी तक खुला ही है, अंदर बकवास मार रहा है। अरे यार ये वीडियो ना बता, तू लगा बात खराब बता रहे, ये बोल दे मिस ये देखिए लग गया मामला, अभी सुना रहा है तेरा बांध देगा। मिला लो तेरा बांध देगी, यहीं पड़ा था कि ये खोल लिया पूरा तरीके तरफ सारी कर ले, ये खुल गया। ये जी खुल गया वाटर का, लाओ टाइमिंग कवर, टाइमिंग कवर सारी तेरा पाना ला, तेरा पाना भी दिया था बुलाने ने 15 का ला, 17 का ला, 15 का भी तुम्हारी बात का भी जवाब देंगे अभी। अच्छा पूरा 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 वाटर पंप खुल गया है, इसको वाटर पंप बोलते हैं? नहीं हाँ जी वाटर पंप बोलते हैं इसको। तीन बोल्ट दिए इसके अंदर? हाँ जी समझ गया, तो बिल्कुल बना रहा है बड़ा बिस्किल। थोड़ी लेके आई, हेलो इंगित रुक जा, हो गया चलो उधर चलेंगे, चलो चलो तसला ले ले यार, बहुत गिरा का पंप हुआ ऐसी लगा। अंदर का जैसे अंदर का दृश्य है, भाई अभी लगा रहे हैं हम वाटर पंप नया, ओके भाई
ओके, अब ये वाटर पम्प हम नया फिट कर रहे हैं। ये वाटर पम्प फिट हो रहा है। थोड़ी तुम नहीं 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 ऐसे बैठ गया, थोड़ी मानने की जरूरत नहीं है, इसमें लिंक खराब हो जाता है। इसके लगाते हैं बोल्ट। अब हम चढ़ाएंगे बेल्ट। ये हो गया टाइट, अब चढ़ाएंगे हम बैग। यार सब ही हंस रहे हो तुम लोग सारे सारे। गाइस ये लग गया वाटर पम्प, तीनों बोर्ड लग गए इसके वाले। अब हम बैग चढ़ाएंगे नहीं। ये इस टाइम टाइमिंग पे गाड़ी, एक क्रैंक की पोजीशन है, ऊपर दिखाइए ऊपर, ये कैम की पोजीशन है, बिल्कुल लॉक कर रखी है हमने। इधर आइए, इधर ये डीजल की है, डीजल की हमने लॉक कर रखी है। हाँ हम चढ़ाएंगे बेल्ट। भाई ये है नई बेल्ट, इसकी जो पुरानी बेल्ट थी उसमें पानी चला गया, इसलिए वो फूल गई थी, तो दांते थोड़े लूज हो गए उसकी, इसलिए हमने ये नहीं लगा। ठीक है, ये डीएल पंप की है और ये आपकी है क्रैंक की पोलिथन। हमने सारे बैरिंग ग्रीसिंग कर दिए हैं, एक ये बैरिंग है, ये रूलर बैरिंग है, एक ये ऊपर वाला वो उधर रखा हुआ है, सारे ग्रीसिंग कर दिए, वाटर पम्प नया लगा दिया। अब हम बेल्ट चढ़ाएंगे नहीं, चलो चलाओ। ये यार अंकित यार तो वीडियो बन लिया, बहनचो मुंचो मत कर। लाल जी 17 का बोल दीजिए, इतने में टायर वाला बोल्ट बोल्ट टायर का 17 का ये नहीं टायर का, ये टायर का ये नहीं सर, ये वाला चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, आइए आप। हेलो सर, यही चलेगा वैसे, 18 का चलेगा। कोई बात नहीं भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ, थोड़ा बैठ लो भाई। हमने इसकी टाइमिंग बांध दी है, नई बेल्ट भी लगा दी है, ये दिखाओ, नई बेल्ट भी लगा दी है और टाइमिंग कैम की लॉक है ये इधर, और तुम्हारी डीएल पंप की लॉक है, और तुम्हारी इधर आ गई क्रैंक की। क्रैंक की टाइमिंग बिल्कुल 00 है। एक बार हम दिखा दें आपको, एक मिनट थोड़ा पीछे रखिए, अभी दिखाते हैं। ये बिल्कुल टाइमिंग ओके आ गई 00, हमने टाइमिंग मिला दी है इसकी। ये आ गई इसकी पोजीशन, ये बिल्कुल ये एरो जो लग रहा है इसका, ये एरो का निशान है इसी के पोजीशन में। इधर ये कैम का है और इधर ये डीएल पंप का आ गया, बिल्कुल हमने टाइमिंग मिला दी है। हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, अभी वो स्टॉप करो। हमने तीन बोल्ट निकाल दे रहे हैं, ये कैम के लॉग है, ये कूलर स्पेशल है ये, और हमारी ये 30 की बिट है। चलो देखते हैं पूरा इंजन का, ज़्यादा टाइट तो नहीं है,
और ये एरो का निशान है, ये एडजस्टर जो है मतलब कि ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए बेल्ट पे, बैरिंगों पे जोर आता है फिर जाम हो। ये वैसे चैनल है ये गुल्लू भाई का है, मैं उनका चेला हूँ, हमारे गुरु हैं। तो इस टाइम वो ऑर्डर पे गए हुए हैं गाड़ी करने के लिए, अपना कैमरा मैन को छोड़ गए हैं। ये आ गया टाइमिंग बिल्कुल ओके है, 0-0। ये टाइमिंग की पोजीशन आ गई अपनी पूरी ओके है, और तुम्हारी की हो गई डीजल पंप की पोजीशन। ये आरो जी दिख रहा है, और इधर एक बार और दिखाइए अब। ये आ गई बिल्कुल टाइमिंग चेंज, ये आरो आ गया, हमने 3 राउंड घुमा लिए बिल्कुल ओके है। हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के लोक के लिए। बिल्कुल टाइमिंग बांध दी है ओके, इधर दिखाइए ये एरो का निशान है, थोड़ा जूम करके दिखाइए, साफ नहीं दिख रहा। तो ये एरो का निशान है और हमने टाइमिंग कवर लगा दिया है, एक बार गाड़ी दिखा दें हम आप, ये देखो एक बार टाइमिंग की पोजीशन दिखाते हैं हम। ये देखो भाई ये एरो का निशान, ये आ गया पंप की इधर आ गई, और ये कैम की आ गई, और तुम्हारी की एक बार ये पूरा सीधा सीधा दिखा दें, ये टाइमिंग आ गई ठीक है। इधर भी देखो बिल्कुल ओके है ठीक है, और इधर ये आ गई, हम इसका कवर लगाते हैं फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे ठीक है। ठीक सर, ठीक है दोस्तों, सारी फिटिंग हो चुकी है, और आज की वीडियो में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करी है वो हमारे अरविंद जी हैं जो उधर बैठे हैं, मैं थोड़ा कहीं चला गया था, और समीर भाई हैं, मूलचंद जी हैं, आज की वीडियो में इन्हीं ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है, और गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि बॉर्डर रूम डाला है, बेल्ट डाली, ये सब डाले हैं, ओके काम हुआ है। एक बार गाड़ी स्टार्ट आपके सामने करवा देते हैं, फिर उसके बाद बम्पर लगाएंगे। एक बार चरणजी जी आप स्टार्ट कर दो थोड़ा गाड़ी, देखिए ओके हो गई है, वुलेंट सब चीज़ सारी ठीक लगी है। वीडियो लाइक जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताएं, थैंक यू।